ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 9 अक्टूबर 2019 बुधवार का दिन है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। पापांकुशा एकादशी इस दिन रहेगी। राम भरत मिलाप महोत्सव के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। धनिष्ठा नामक नक्षत्र मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशा शूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए धना खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रमा जो कि मकर राशि में, मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध तुला राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह कन्या तुला धनु मकर और कुंभ ये 8 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए अति उत्तम साबित होगा। धन लाभ मान सम्मान यश प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होने वाली है। साथ ही नया कार्य या नया रोजगार भी ये शुरू कर सकते हैं और कहीं से कोई अचानक ऐसी खुशखबरी इनको मिलेगी जिससे इनका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आपको कार्यक्षेत्र बिजनेस या व्यापार में अच्छा फायदा का योग है। साथियों से मदद मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे हो जाएंगे। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। आपकी कोई बड़ी परेशानी पैसों के माध्यम से सुलझ जाएगी। इनकम के कई रास्ते खुल सकते हैं। काम ज़्यादा रहेगा। उच्च अधिकारियों से आपकी चर्चा होगी, मुलाकात होगी और उस चर्चा में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। किसी स्थिति को लेकर के ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। खुद को निराश करने से बचे। आज सब कुछ अपने सोचे हुए तरीके से होने की उम्मीद न रखे। गुस्सा न करे। परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों के तेवर और फरमाइश बदल सकते हैं। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय आप यदि एक इलायची खाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। बड़े अधिकारियों से बातचीत होने की संभावना है। संतान से सुखद समाचार मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके कामों की तारीफ करेंगे। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बना रहेगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग अपने काम से संतुष्ट हो जाएंगे। किसी भी कठिन परिस्थिति का व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश करें। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ काम करने वाले आसपास के लोग आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। सोच समझ करके आपको कार्य करना चाहिए। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप बेसन से बनी कोई भी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। सुख मिलेगा। कहीं से कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। काम धंधा अच्छा चलेगा। कार्यस्थल पर माहौल भी अच्छा रहेगा। कुछ अवसरों का फायदा आपको मिल सकता है। अचानक धन लाभ होगा। निवेश के सुझावों पर फैसला अपने अनुसार ही करें। आज सामने वाले की हर परिस्थिति को जो है आप अपने दिमाग से निपटा ही लेंगे। लाभ के अवसर मिलेंगे। पैसों के क्षेत्र में अच्छा खासा सुधार होने की उम्मीद है। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को मिठाई खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। मन भी मजबूत रहेगा। ऑफिस के कुछ अधूरे काम निपटाने में आप लगे रहेंगे। आपके मन की शंका दूर हो जाएगी। जो बदलाव हो रहे हैं वह आपकी उन्नति के लिए बेहद जरूरी है। परिवार और समाज के लोग आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। परिवार के मामलों में विनम्र रहे। बातचीत और भाषण कला में आपको बहुत हद तक सफलता मिलने का योग है। आपकी बातों का गहरा असर भी लोगों पर होगा।
नौकरी और बिजनेस में किसी निवेश लेन देन या फैसले को लेकर आपकी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद या विवाद की संभावनाएं बन सकती है। उपाय के रूप में यदि आप गुड़ खाकर के घर से निकलते हैं तो आपके लिए दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सूचे हुए काम आसानी से पूरे होने का योग है। आज आप आने वाले दिनों की योजना बना सकते हैं। नए कारोबार की रूपरेखा आपकी बन जाएगी। नया कार्य आपका शुरू हो सकता है। नई नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं तो वह भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। बिजनेस बढ़ाने के योग है। आपको अपने लक्ष्य, उम्मीद और इच्छाओं के बारे में साफ साफ बात करने का अवसर भी मिलेगा। किसी खास इंसान से आप अपने मन की बात शेयर भी करेंगे। कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं। आज आप थोड़ी फुर्ती और चिंता दिखाएं तो मेहनत में भी आपको सफलता मिलेगी। माता से सुख मिलेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी। मन की किसी बात को लेकर के आप बेचैन हो सकते हैं, मन भटक सकता है। आप लालच में पड़कर खुद का नुकसान भी करवा सकते हैं। साथ काम करने वाले आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में आपको गलतफहमी भी हो सकती है। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ खाने पीने की वस्तु दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। धन लाभ का योग बन रहा है और रुका हुआ पैसा आपको अचानक मिल जाएगा। किसी एक व्यक्ति के साथ आपके संबंधों के बीच कोई मामला यदि उलझा हुआ है तो वह भी सुलझ जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। नौकरी में अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। नई जिम्मेदारी आपको मिलने की संभावना है। प्रेम प्रसंग शुरू हो जाएगा। आपके नियमित कामकाज में भी दोस्त आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति से निपटने में आप सफल हो जाएंगे। धैर्य और कोशिश के बीच संतुलन रखेंगे तो ज़्यादातर समस्याएँ अपने आप सुलझ जाएगी। आज झूठ न बोले वरना परेशान आप हो सकते हैं। किसी बिल के भुगतान में देरी के कारण कोई मामला भी आपका उलझ सकता है। अधिकारियों से बातचीत में सावधान रहे वरना कोई बात बिगड़ सकती है। पुराने मामले उजागर होने की संभावनाएं बन रही है और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में चावल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कोई बड़ा काम या बड़ा फैसला आज आप ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलने के संकेत हो जाएंगे या विजय मिल ही जाएगी। परेशानियों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। किसी नई तकनीक के कारण आपका काम आसान हो जाएगा। कोई नया उपकरण भी आप खरीद सकते हैं। किसी नए विचार पर आप काम कर सकते हैं। नया विचार, नई तकनीक आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और बिजनेस परिवार की सहायता से सफलता को प्राप्त कर लेगा। नए कारोबार की शुरुआत होगी। प्रेम में सफलता मिलने का योग है। आसपास या साथ के लोगों से टकराव हो सकता है। अपने व्यवहार में किया गया बदलाव आपको परेशान कर सकता है। कुछ लोग आपकी राय से बिल्कुल सहमत नहीं हो पाएंगे। दूसरों में दोष देखने से आप परेशान हो सकते हैं। उपाय के रूप में घर के मंदिर में यदि मिश्री का भोग लगा करके परिवार में प्रसाद बांटेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नौकरी या बिजनेस के काम से यात्रा हो सकती है। संयम रखेंगे तो खुद के लिए कुछ अच्छा कार्य भी आप कर पाएंगे। सोचा हुआ काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अतिरिक्त इनकम बढ़ाने के लिए आपके दिमाग में कई प्रकार के आइडिया आ सकते हैं। आपके मन में कुछ बड़े विचार आएंगे। भरोसेमंद लोगों से सही समय पर सही सलाह आपको मिल जाएगी। पढ़ने और कुछ नया सीखने की रुचि आपके अंदर रहेगी। कुछ लोग आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों से फालतू बातों पर तकरार या विवाद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में सावधानी आपको रखना चाहिए। और उपाय के रूप में किसी भी धार्मिक पुस्तक के ऊपर यदि पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आपको धन लाभ का योग बन रहा है। किए गए कामों से फायदा होगा। संबंधों में सुधार होने का योग है। सबका सम्मान करें। आपके लिए गए कुछ फैसलों में सटीकता रहेगी। नए बिजनेस के लिए कोशिश आपकी सफल हो जाएगी और व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। करियर में बदलाव के लिहाज से दिन ठीक है। पुरानी देनदारी निपट जाएगी। साफ और नपी तुली बात करने से परेशानियों से आप बच पाएंगे।
दोस्तों रिश्तेदारों की मदद भी आपको मिलेगी। विवाह योग्य लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले साथ वाले लोगों की सलाह अवश्य ले। और उपाय के रूप में एक पान में लौंग इलायची रख करके हनुमान जी को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी में नया करने का योग है। कुछ नया सीखने का अवसर भी आपको मिलेगा। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शादीशुदा लोगों को पार्टनर से मदद मिलेगी। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। नतीजों का इंतजार करें। कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। घूमने फिरने मनोरंजन में आपका अवसर व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में गाय को यदि आप रोटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज आप खुश रहेंगे। कार्यक्षेत्र में बड़े संयम से काम करेंगे। जिस ढंग से आप बात करेंगे उससे लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे और आपके फेवर में आ जाएंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेगी। मेहनत कम करेंगे, फायदा ज्यादा होगा और इससे किसी के साथ आपकी बहुत खास बातचीत हो सकती है जिसका फायदा आपको कैरियर में हो सकता है। साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आपको कैरियर से जुड़े बहुत से मामलों में मदद भी कर सकता है। आपकी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। कई प्रकार के नए नए विचार आपके मन में चलते रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। किसी से उपहार मिलने का भी योग है। आज आपके व्यवहार से कोई नाराज हो सकता है। कुछ कामों में मन थोड़ा कम लगेगा, थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। बिना किसी से सलाह लिए आगे बढ़ने की कोशिश न करें। मन की बातें, अपने इरादे और योजनाएं किसी को न बताएं। लंबे समय के लिए कोई योजना यदि है तो वह आप बना सकते हैं, उसमें फायदा होगा। किसी बात को लेकर के जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप पिस्ता का भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार के लिए नए लोगों से संपर्क आपको करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। अपने मन की बात किसी से कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। आज आप हर चीज पर गौर से ध्यान दें। अपने मन की आवाज सुनने की कोशिश करें। आज आप किसी रहस्य को जानने की कोशिश में रहेंगे। पैसों की टेंशन और आपकी मुश्किल अपने आप समाप्त हो जाएगी। कई नया काम शुरू कर सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप दूध में बादाम मिलाकर के पिएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। तो मित्रों यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।